हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बेसिक हम सीख रहे हैं उसके अंतर्गत ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे सीखेंगे कि कितने टाइप से हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जिसका कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण, मीन्स स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर हमें कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणुसूत्र पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो एक तो उसका होता है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। दूसरा है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसी फार्मूले को जो हमने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा उसे थोड़ा कंडेंस किया जा सकता है, थोड़ा छोटा किया जा सकता है, उस तरह से सीखेंगे। और एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और एक चौथा भी है जिसमें हम 3D उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो कार्बन के चार टेट्रावेलेंसी होगी उसमें दो को हम प्लेन में दिखाएंगे, एक को हम अबव द प्लेन और दूसरे को बिलो द प्लेन, या उसका फ्रंट और रियर करके दिखाते हैं, उसे सॉलिड वाइज और डॉटेड लाइन से करके दिखाते हैं। तो बेसिकली तो हम तीन प्रकार से सीखेंगे कि किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, अगर वो गिवन है तो उसे हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको देखिए, C3H8, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8। ये एक एल्केन है, और एल्केन में अगर तीन कार्बन है तो तीन कार्बन वाले एल्केन को हम कहते हैं प्रो, और इसमें सिंगल बॉन्ड लग जाएगा तो इसमें बन जाएगा ए, प्रोपेन। ठीक है, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। तो यहां पे कार्बन जो n बराबर 3 है तो C3 हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 यहां पर रखेंगे, 3 × 6 + 2 H8। तो ये तीन कार्बन वाला जो हाइड्रोकार्बन एल्केन है वह होगा प्रोपेन। अब हम इसे जो हमने तीन टाइप अभी बताए इनके बेसिस पे इसको रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, एक तो हमारे पास है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें हम प्रत्येक बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को इस तरह से डैश से दिखाएंगे, अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल डैश से, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो तीन सीधी लाइनों से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी इसमें तीन कार्बन है, ये अणुसूत्र है प्रोपेन का, और इस अणुसूत्र से हम बना रहे हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तीन कार्बन और 8 हाइड्रोजन को इस तरह से हम दिखाते हैं, और यह है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला प्रोपेन, प्रोपेन का पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। स्टूडेंट, इसी फार्मूले को हम चाहें तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं। इसी को अगर हम कंडेंस करके लिखेंगे तो लिखेंगे, देखो, CH3 CH2 CS3 CH3 CH2 CS3, ये है आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, हिंदी में कहेंगे संघनित संरचनात्मक सूत्र, प्रोपेन का संघनित संरचनात्मक सूत्र। अब इसे अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र की तरह से दिखाना चाहें तो इसी प्रोपेन को हम लिखेंगे ऐसे, 1, 2, 3, ये है आपका प्रोपेन। प्रत्येक कार्नर जो है और ये कोने दिख रहे हैं, एक कार्बन यहां पे, दूसरा कार्बन यहां पे और तीसरा कार्बन यहां पे। जो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा इसमें अगर आप ब्यूटेन को दिखाना चाहें, ब्यूटेन जिसमें कि चार कार्बन है C4H10, इसको आप ऐसे दिखाओगे 1, 2, 3, 4, जितने बीच में कार्बन होंगे उस पर दो हाइड्रोजन लगेंगे उसको हम CH2 बोलेंगे, और किनारों पे हमेशा CH3 ग्रुप होगा, एल्किल ग्रुप होगा, लंबी सी चेन। तो इस प्रकार से सबसे जो सिंपलेस्ट आपको दिख रहा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, अगर आप इसमें इथेन को तो प्रोपेन को दिखा रहे हैं तो ऐसे दिखा रहे हैं 1, 2, 3, अगर आप ब्यूटेन को दिखाएंगे तो देखो 1, 2, 3, 4, अगर आप पेंटेन को दिखाएंगे 1, 2, 3, 4 और 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसको आप समझ लिए। इस किनारे पर क्या है CH3, ऊपर क्या है
CH2, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH2, और यहां पे क्या है CH3। तो ये जो दिखा ये आपका संघनित सूत्र है और इसका ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इसी पेंटेन को अगर आप कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में दिखाना चाहते हो तो आप इसको दिखा सकते हो, एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन इस कार्बन के, फिर देखिए इस कार्बन का एक दो, फिर देखिए इस कार्बन का एक दो, फिर यहां से एक दो, और यहां पे आप इस तरह से तीन हाइड्रोजन दिखा सकते हो। स्ट्रेट लाइन करके भी दिखा सकते हो, बट इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया। तो इसी फार्मूले में आपको यह है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये है आपका कंडेंस, और ये है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्टूडेंट इस टाइप से आप इसको दिखा सकते हो किसी भी कंपाउंड को। अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज करिए आपके पास बेंजीन है, बेंजीन का अणु सूत्र है C6H6। अगर आप इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखाना चाहते हैं तो आप इसे दिखाएंगे, इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है तो इस तरह से दिखा देंगे, और प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन आप इस तरह से दिखाएंगे। C6H6 ये है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको थोड़ा छोटा किया जा सकता है, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, इधर से सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और ये सिंगल बॉन्ड CH। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इसे आप कहेंगे इसका कंडेंस स्ट्रक्चर। और अगर इसका बॉन्ड लाइन दिखाना है तो आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे इस प्रकार से। ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बेंजीन का, जिसमें ये अल्टरनेट डबल सिंगल होते हैं, ये एक साथ रोटेट करते रहते हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं, कभी यहां कभी यहां, तो इसको आप इसे इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। कुछ साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो कि एलिसाइक्लिक के अंतर्गत आते हैं, उनको भी आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन, ये कंपाउंड है, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। जब भी हम आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे भी आ जाएगा। ये साइक्लोप्रोपेन है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसका अगर आप कंडेंस दिखाना चाहें तो कंडेंस में आप दिखाएंगे CH2, यहां पे आएगा CH2, इधर भी आएगा CH2, और ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये कंडेंस। और अगर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखना चाहते हैं तो देखिए आप प्रत्येक कार्बन से आप दो दो हाइड्रोजन को इस तरह से सिंगल बॉन्ड से दिखा देंगे। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो ये है साइक्लोप्रोपेन का। स्टूडेंट इस प्रकार से आप डिफरेंट मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसे बना सकते हैं। अब ये जो साइक्लोप्रोपेन है, इसी प्रकार के मॉलिक्यूल्स और भी हैं जो कि साइक्लो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे ये है स्टूडेंट साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, साइक्लो हेप्टेन, ये है साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो पेंटेन 5 कार्बन, 4 कार्बन है तो साइक्लो ब्यूटेन। तो इस तरह से साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन भी हो सकता है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ये है आपका साइक्लो ऑक्टेन। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, प्रत्येक कार्बन एक कोने को रिप्रेजेंट, कार्बन ये जो कोने दिख रहे हैं एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि दुनिया में कार्बन जहां भी रहेगा उसके दो हाथ और दो पैर, कुल 4। तो 4 बॉन्ड अगर हैं तो आप देखिए यहां पे प्रत्येक जगह आप कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे प्रत्येक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि इस कार्बन के 2 ही बॉन्ड हो रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन यहां लगेगा, ऐसे CH2, 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 CH2 और CH2। तो ये साइक्लो ऑक्टेन का कंडेंस स्ट्रक्चर, संघनित
संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा। और अगर आप इनके कार्बन से इस हाइड्रोजन को इस तरह से ओपन करके दिखा देंगे प्रत्येक कार्बन के स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा इसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, सभी जगह ऐसे बना देंगे। अब एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम पेपर पर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे मीथेन है, हम मीथेन का जो थ्री डायमेंशनल पैटर्न होता है स्टूडेंट, इसको इस प्रकार से आप समझिए कि देखिए इस प्रकार से है, और एक आप यहां से इस प्रकार से देख सकते हैं, ये ऐसे है। तो ये वाला एंगल जो होता है ये होता है 109° 28′। तो आप देख सकते हैं इधर से भी इधर से भी, ये सारे एंगल ऐसे होते हैं, इसको ऐसे घुमा के आप कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, अगर आपको इसको पेपर पे दिखाना है तो पेपर पे दिखाने के लिए क्या करेंगे, कार्बन के दो बांड को आप इस तरह से एक प्लेन में दिखाएंगे, एक को आप सॉलिड वेज जो होता है जैसे ये वाला है आपकी तरफ जो होगा, मान लीजिए ये है आपकी तरफ, इसको सॉलिड वेज से दिखा देंगे, एक प्लेन में ऐसे दिखाएंगे और दूसरे वाले को ऐसे बड़े से छोटे की तरफ ऐसे करते जाएंगे, ऊपर से बड़ा इधर से छोटा। तो एक हाइड्रोजन आपका इधर हो जाएगा, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, और ये चौथा। तो दो हाइड्रोजन तो प्लेन में, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, या जिधर से आप देख रहे हैं उधर की तरफ ये सॉलिड वेज वाला होगा और ये आपका डॉटेड लाइन वाला आपसे दूर होगा और बाकी दो प्लेन होंगे। तो ये भी एक तरीका होता है जिसको रिप्रेजेंट करना है मॉलिक्यूल को, कर सकते हैं। अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब स्टीरियो केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तब वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी स्टूडेंट्स हमें तीन जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उन पे ध्यान रखना है किसी भी मॉलिक्यूल का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एक तो उसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, फिर उसको थोड़ा छोटा कर दिया तो संघनित संरचनात्मक सूत्र, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। और अगर हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट ना करें, सिर्फ स्केलेटन दिखाएं कार्बन की, और अगर बीच में कहीं डबल और सिंगल बॉन्ड है तो उसको डबल और सिंगल को भी दिखा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आई होप आज आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने का तरीका है वो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको और अच्छी वीडियो इसी प्रकार की मिलती रहे। थैंक यू।